यूपी में एम्स की तर्ज पर खुलेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, प्रस्ताव सरकार के पास। प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेगा, इसमें एम्स और SGPGI की तर्ज पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार किए जाएंगे। आयुर्वेद के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध किए जा सकेंगे। इस संस्थान को वाराणसी में खोलने की तैयारी है। यह प्रदेश का पहला संस्थान होगा। प्रदेश में एलोपैथ विधा में SGPGI, KGMU एवं एम्स है, लेकिन आयुर्वेद की सिर्फ मेडिकल कॉलेज है। ऐसे में आयुर्वेद विधा में विभिन्न अंगों के हिसाब से एकीकृत विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं कम मिल पाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना करने की तैयारी है। आयुर्वेद विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसे वाराणसी में खोलने का प्रस्ताव है। यदि किसी कारणवश वाराणसी में जमीन नहीं मिल पाती है तो आसपास के अन्य जिलों में जमीन तलाशी जाएगी। संस्थान में करीब 500 बेड का आयुर्वेद अस्पताल होगा। इसमें मरीजों की जांच के लिए आयुर्वेद लैब और इलाज की व्यवस्था होगी। विभागवार अनुसंधान केंद्र भी होंगे। आयुर्वेद के सभी विषयों में परास्नातक MD MS कोर्स में शिक्षण एवं अध्यापक कार्य हो सकेगा। आयुर्वेद निदेशक प्रोफेसर PC सक्सेना ने बताया कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, इसके बाद विभिन्न विभाग मिलकर इसके निर्माण की पुख्ता कार्य योजना तैयार करेंगे। क्या होगा फायदा? इस संस्थान के खुलने से आयुर्वेद विधा को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञता वाले कोर्स शुरू किए जा सकेंगे। मर्ज को दूर करने के लिए नई नई दवाओं की खोज होगी। शोध के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आयुर्वेद से जुड़ी परियोजनाएं भी आ सकेंगी। इसे आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेंगे। आयुर्वेदिक दवा के बाजार के साथ यहाँ तैयार होने वाले कच्चे उत्पाद की मांग बढ़ेगी। क्या कहते हैं जिम्मेदार? प्रदेश में खुलने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास है। देश दुनिया के आयुर्वेद विशेषज्ञों से परामर्श लेकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार तैयार किया जाएगा। यह प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम होगा। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, वहाँ से मंजूरी मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू कराई जाएगी। डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु, आयुष एवं FSDA मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।